गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 6 के अंदर अपन बात कर रहे थे त्रिविमीय आकार के बारे में। आज उस त्रिविमीय आकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 5.9 के अपन कुछ सवाल देखते हैं। तो आइए प्रश्नावली 5.9 में आपको सवाल अपन करते हैं और देखते हैं। सुमेलित कीजिए, आपको शंकु का सुमेलन करना है। तो आपको शंकु का सुमेलन करने के लिए आप देख रहे हैं कि शंकु की आकृति इस प्रकार से होती है, ये शंकु है। तो आपको शंकु का आपको ऊपर दे रखा है तो शंकु से आपको मिलान कर देना है। शंकु का आपको मिलान कर देना है। गोला, गोला जैसे आपके चौथे नंबर की जो आकृति है वो गोले से मिलान कर देनी है। बेलन है, वो बेलन आपका आगे वाली आकृति में दे रखा है, पेज पलटने पर दे रखा है, पेज बढ़ने पर आपको बेलन दे रखा है। उसके बाद गनाव, गनाव के लिए तीसरे नंबर की जो आकृति है वो गनाव है, तीसरे नंबर की जो आकृति दे रखी है वो गनाव है। इस प्रकार से आपको मिलान करना। पिरामिड, पिरामिड के लिए देखिए आपके पहले नंबर की जो आकृति है वो पिरामिड है, पहले नंबर की जो आकृति है वो पिरामिड है। यानी ए जो शंकु था उस शंकु के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आकृति नंबर 2 का सहारा लेना पड़ेगा। आकृति नंबर 2 आपकी शंकु है। बी के अंदर दे रखा है गोला और गोले के अंदर आकृति दे रखी है चौथे नंबर की। फिर तीसरा बेलन, बेलन के अंदर आपको आकृति दे रखी है आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 5। और गनाव डी, गनाव के लिए आकृति नंबर 3 आपका गनाव है। और उसके बाद आपका ई पिरामिड, तो पिरामिड आपको दे रखा है आपके आकृति नंबर 1 के अंदर, आकृति नंबर 1 के अंदर। इस प्रकार से आपको इनको जो सुमेलन करना आपको मिला जाता है। शंकु कौन सा है, दूसरे नंबर वाली आकृति। गोला कौन सी है, चौथे नंबर वाली आकृति। बेलन कौन सी है, 5 नंबर वाली आकृति। गनाव कौन सी है, 3 नंबर वाली आकृति। पिरामिड कौन सी है, 5 नंबर वाली आकृति। इस प्रकार से मिलाना था। आओ प्रश्न नंबर 2, किस आकार के, निम्न किस आकार के हैं। आपका ज्यामिति बॉक्स, जो आपका टूल बॉक्स आता है जिसमें गणित के औजार आते हैं, टूल आते हैं, वो है आपके गनावाकार आकृति का। कौन सी आकृति का, गनावाकार आकृति का। तो वो गनावाकार आकृति का यानी गनाव। और आपकी ईंट, ईंट भी गनाव है। एक माचिस की डिब्बी वो भी गनाव है। सड़क बनाने वाला रोलर वो बेलन है, बेलनाकार। सड़क बनाने वाला रोलर, एक लट्टू, लट्टू शंकु के समान होता है, एक लट्टू शंकु के समान होता है। इस प्रकार से आपको इन सवालों का आपको जवाब देना था और कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर थी नहीं। तो आपको इन आकृतियों का, इन आकृतियों का आपको मिलान करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना होगा कि आपकी जो पहले की जो आकृतियां थी उस आकृतियों को आप देखो, उनका मिलान करो और उनका मिलान करके फिर देखो कि गनाव कैसी आकृति होती है, गन कैसा होता है, बेलनाकार क्या होता है, शंकु कैसा होता है। अच्छा, आपने बेलन के बारे में चर्चा नहीं की थी। ये बेलन देख रहे हैं आप, ये इनका आधार जो होता है वो वृत्त के समान होता है, आधार जो होता है वो ऐसे वृत्त के समान होता है। ये वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी लंबवर्ती ऊंचाई का आ जाता है, इसमें लंबवर्ती है ऊंचाई। शंकु आप देख रहे हैं, ये कुपीनुमा जो संरचना है वो शंकु कहलाती है। पिरामिड आपने देखा ही था है, गोला, गोला आपका देखा हुआ है, जैसे आपका आपकी जो गेंद आती है वो गेंद गोले के समान ही आती है, बिल्कुल क्या आती है, गोले के समान इस प्रकार से आती है। ये गेंद है एक प्रकार से, तो ये भी क्या है, गोला। ये ठोस आकृति त्रिविमीय आकार है, लेकिन हालांकि ये जैसे आपका ये गोला है या आपका
समूह है, इनमें क्या है, इसके शीर्ष नहीं होते, नहीं इनकी ऊंचाइयाँ होती है, सीधी बात है। तो ये इस प्रकार के जो सवाल है, उन सवालों को ये इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है, इनमें ऊंचाई वगैरह ये नहीं होती, बस ये त्रिभी आकार के अंदर वो आते हैं, जैसे गण है आपका, गणाभ हुआ आपका, पिरामिड हुआ आपका, प्रिज्म हुआ, तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ वो जरूर आपकी त्रिविमीय आकारों के अंदर आती है। बाकी आपका जैसे शंकु है, गोला है, आपका लंबवर्तीय बेलन है, इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है वो आपके त्रिविमीय आकारों की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि ये इस प्रकार ठोस आकृतियों की श्रेणी में आती है। इनका कोई ऊंचाई, इनकी कोई एक टिकाऊ स्थिति नहीं होती, ये ठोस आकृति की श्रेणी में आती है, इनकी न ऊंचाई होती है न इसका फैलाव होता है। अभी जैसे ये शंकु है, इसका क्या फैलाव होगा, तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है वो त्रिविमीय आकार। कल अपन देखेंगे छठी प्रश्नावली के बारे में। धन्यवाद।